हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं, और यह वर्कशीट आपको होगा 31 अगस्त 2020 के लिए। दोस्तों, तो आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें आपको पढ़ना क्या, दूरी सूत्र का सारा पढ़ना है आपको। तो आइए, इसमें जो क्वेश्चंस दिए वो इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र, ये सही है या गलत है? ये जो ए बी सी दिए हुआ है, इसको आपको क्या करना है, सही है या गलत है बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए, एक्स निर्देशांक कोटि ए बाई एक्स निर्देशांक कोटि ए एंड वाई निर्देशांक भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक कोटि ए और वाई निर्देशांक कोटि भुज कहलाता है? बिल्कुल नहीं कहलाता दोस्तों। एक्स निर्देशांक जो है ना, भुज कहलाता है, जबकि वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो इस अनुसार यह जो क्वेश्चन है ये असत्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित हो, उस बिंदु के निर्देशांक 4 0 होंगे? ये देखिए दोस्तों, 4 0 का निर्देशांक है या नहीं है, तो देख लेते हैं। हमने यहाँ क्या किया, एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ देख रहे हैं। तो इस एक्स एक्सिस, पहले तो इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, यानी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, और ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ना प्लस प्लस होता है फर्स्ट में, इसमें दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देखते, देखिए ये क्या कह रहा, माइनस फोर, ये क्या है, ये एक्स, ये फोर क्या होगा दोस्तों, देखिए ये एक्स का वैल्यू हो है और ये 0 वाई का वैल्यू है। तो हमें जो है ना एक्स प्लस में चाहिए, तो एक्स का प्लस जो है ना पॉजिटिव दोस्तों, हमेशा इस साइड होता है, एक्स का प्लस पॉजिटिव इस साइड होता है। ठीक है, लेकिन ये -4 दे रखा है। ठीक है, तो ये -4 में आएगा अगर ये, और ये वाई का 0। ठीक है, तो प्रथम पद में जो है ना दोस्तों, ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये +1 x का लेते हैं, -1 +2 +3 +4 +5, और यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसे हम लेंगे इसमें, तो इस साइड माइनस में आ गया एक्स का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये जो है ना प्रथम पाद जो मूल बिंदु के 4 इकाई की दूरी पर होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों। ये क्या है, निर्देशांक फॉल्स है, गलत है, असत्य है। क्या है, असत्य है ये। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। यहां देख सकते हैं आप, कह रहा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, 3 2 6 6 0 0 6 1 -6 0 4 0, इसके बीच का आपको क्या करना, दूरी निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको समझने हैं दोस्तों। तो डिस्टेंस पर वो मान लीजिए हमने ये एक्स एक्सिस लिया, ये क्या एक्स एक्सिस, और ये सॉरी सॉरी दोस्तों, ये जो है ना क्या है वाई, ये जो है ना दोस्तों वाई एक्सिस वाई है, और ये वाई डैश हो गया, ये एक्स है और ये एक्स डैश हो गया। ठीक है, तो यहां से जो है ना एक्स का, अगर मान लीजिए एक बिंदु ए से हमने एक बिंदु बी बनना है, तो ये एक्स और वाई का वैल्यू हो गया, ये एक्स वाई का वैल्यू, तो इस दोनों के बीच का जो है ना हमें डिस्टेंस निकालना। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आपको समझना है बहुत अच्छे से, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमने क्या देखा था, देखिए 3 2 और 6 6। ठीक है, तो 3 2 6 6, तो 3 2 x1, इसमें देख लीजिए आप बहुत अच्छे से, देखिए मैं समझा रहा हूँ, ये थ्री क्या x1 और y क्या, और y2 क्या है, 2 y सॉरी x1 3 है और y1 2 है, x2 6 है और y2 6 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दूरी, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है यानी दूरी सूत्र है, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y2 का y1 2 - y1 का स्क्वायर।
तो यहाँ में आप एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, 6 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 का दोस्तों ये कितना हो गया, 5 यूनिट, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम बी देखते हैं दोस्तों। बी क्या हमारा 0 है, एक्स का और वाई का 0 है, और इसके बाद ये एक्स टू का 0 है, वाई टू का 0 है। तो दूरी सूत्र एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो इसको आपको क्या करना है, अब देखिए इस पे सेम फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, 6 माइनस 1 0 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये टोटल दोस्तों, ये 30 ये कितना हो गया, देखिए ये टोटल कितना हो गया 37 यूनिट। ठीक है, अंडर रूट। अब देखिए सी नंबर सेम उसी तरह है, आपको दूरी सूत्र एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इसको अब एक्स टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो 4 माइनस, ये माइनस में है दोस्तों, यहाँ -6 तो -6 तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6 तो 4 प्लस 6 का स्क्वायर स्क्वायर, और 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 110, 100 प्लस 0, तो 100 प्लस 0 कितना हो गया 100, 100 का हम वर्गमूल कितना 10 यूनिट निकालते हैं, ये 10 यूनिट आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई का मान वह मान ज्ञात कीजिए यदि पी 2 या 3 और क्यू 10 और वाई के बीच का दूरी हो। तो हमने यहाँ क्या किया दोस्तों, 2 पॉइंट बना लिया। ठीक है, ये तो एक्स है, ये एक्स डैश और ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश है दोस्तों। तो इस पे हमने 2 पॉइंट बना लिया, देखिए पी और क्यू, तब क्यू जो है ना 10 यूनिट दे रखा है, तो 10 यूनिट है 10 और वाई, तो यहाँ डी की कितना हो जाता है दोस्तों, डी का भी दूरी फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, दूरी फार्मूला भी हमने पढ़ा है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो इसी पे आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे बैठाना है, एक्स टू करना है और वाई टू, सबका वैल्यू भी हमने लिख दिया कौन होगा एक्स टू कौन होगा वाई टू। ठीक है दोस्तों, एक्स टू एक्स वन कितना है 2 वाई वन 3 माइनस 3, एक्स टू कितना है 10 है और वाई टू वाई है। तो आफ्टर स्क्वायरिंग इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर करने के बाद दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कितना है 10 माइनस x, तो मतलब ये 10 का हो जाएगा, ये तो 10 यूनिट दे रखा है, 10 का 100 हो जाता है। ठीक है, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका जो है ना 10 का स्क्वायर प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई, तो ये कितना हो गया दोस्तों, अगर आप 100 माइनस 64 करेंगे तो और माइनस 9 करेंगे, इसको अरेंज कीजिएगा तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, 27 वाई स्क्वायर प्लस 66 वाई, तो इसको जो है ना इक्वेशन के फॉर्म में हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू 27, तो इसको आपको क्या करना है, मतलब आपको फिर सिंप्लीफाई करना है, तो मतलब 9 आपको अल्टीमेटली 27 और वाई इसको मल्टी 27 का आप एलसीएम ले लो 9 से, 9 3 जा 27, तो ये देखो यहाँ आप इसको ये क्या करें कि आपने इसका ब्रेक डाउन किया, इसको आपने 9y-3y, तो वाई इसमें से कॉमन ले लिए वाई प्लस 9 और माइनस 3 इसमें से कॉमन ले लिए, तो ये वाई है तो अंडर रूट माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस वाई, तो ये वाई माइनस 3 और वाई प्लस 9, तो ये आपका जो है ना दोस्तों यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं y-3 = 0, तो y = +3, एक एक इस y का वैल्यू ये आ गया, y+9 = 0, तो y = -9, ये दूसरा वैल्यू आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।